अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का ये जो ट्यूटोरियल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जिस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार था वो आपको आज मिलने जा रही है। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है। तो गाइस, हम आपको आज EDU 402 करिकुलम डेवलपमेंट की मुकम्मल तैयारी के बारे में गाइडलाइन करने जा रहे हैं, जो कि फाइनल टर्म के बारे में है। और दूसरा, हम आपको पास्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे, ऐसे पास्ट पेपर जो कि आपको कभी कहीं से भी नहीं मिल सकते। और इसके अलावा जो है, हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी के बारे में गाइडलाइन करेंगे। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। दिस इज नवान मलिक एंड यू आर ऑन माई चैनल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नवान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको हर असाइनमेंट्स और एग्जाम्स की अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। तो गाइस, ये आप स्क्रीन के ऊपर कुछ फोल्डर्स देख रहे हैं, जिसमें EDU 402 मिड और EDU 402 फाइनल टर्म के जो हैं वो यहाँ पर जो है वो नोट्स और पास्ट पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए मटेरियल है। और दूसरा, यहाँ पर तमाम सॉल्व असाइनमेंट जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उससे आपने डाउनलोड इसको कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि हमने यहाँ पर करना क्या है फाइनल की तैयारी के लिए। तो गाइस, वेरी सिंपल कि हम हैंडआउट को ओपन कर, तो यहाँ पर गाइस लेक्चर जो वन है, ये जो लेसन वन है और लेसन 22, यहाँ तक जो है हमने अपना मिड में कोर्स कवर अप कर लिया था और हमने अच्छे एग्जाम दिए। और इसके बरक्स जो है वो यहाँ पर 23 लेक्चर से ऑनवर्ड 45 लेसन तक जो है हमारा फाइनल टर्म का जो है सिलेबस है। तो आप बुक को भी थोरोली रीड करके जो है आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको मैं दिखाता हूँ फाइनल टर्म का ये सिलेबस। तो यहाँ पर गाइस, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पास्ट पेपर उनको फाइंड आउट किया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज जो है वो यूज़ किए और पेपर को कलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पास्ट पेपर आपकी हेल्प के लिए हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव फाइनल टर्म का है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हैं, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फाइल आप देख रहे हैं, ये फाइनल टर्म जो है वो सब्जेक्टिव के बारे में मेरी फाइल है। इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। तो इसमें मैंने जो है वो पास्ट पेपर को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया, और आज तक जितने पास्ट पेपर हो चुके हैं, ठीक है, उन सबको ही मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। तो आप इसको डिटेल से जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन है, हर एक पेपर जो हो चुका है, ठीक है, उसकी मुकम्मल डिटेल्स है, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस, ये सब्जेक्टिव पेपर भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो ये भी मेरे ही नोट्स हैं, इनमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो जो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर रिपीट होते रहे हैं। और इसी तरह से गाइज, आप देख सकते हैं कि ये कुरिकुलम डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव नोट्स हैं, तो मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इन नोट्स को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है वो बनाया है। तो आप इनको यहाँ पर क्विज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह के सॉल्व हैं, ठीक है। आज तक जितने भी क्विज़ आ चुके हैं वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आपको ये नोट्स जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। इसके अलावा इन्हीं नोट्स में मैंने जो है एग्ज़ाम गाइडलाइन भी जो है वो आपको दी है। तो गाइस, आपको पेपर पास करने के लिए ये लाजमी जो है वो चाहिए, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पास पेपर इंक्लूड हैं। और ये पेपर जो होता है, इसमें या तो सब्जेक्टिव हमारा लग जाता होता है या ऑब्जेक्टिव लग जाता होता है। तो मीन्स टू से कि अगर हम ये जो क्विज़ हैं, ये जो असाइनमेंट्स हैं, या जो ये मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है, यहाँ से अगर कोई चीज़ कर लेंगे तो वो हमारी ज़ाया नहीं जाएगी, इंशाल्लाह हम अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। इसके अलावा मिड टर्म के आपने मेरे नोट्स देखे थे, तो उसमें से भी गाइस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बहुत सारे अच्छे नंबरों के साथ लोग पास हुए। तो गाइस, ये मिड टर्म के और फाइनल टर्म के नोट्स आपने डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। और नवान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।